हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन मैं हूं सुनीधि सिन्हा आप सबका अड्डा ट्वेंटी फ़ोर सेवन जुडिश्री में स्वागत है कैसे हैं आप लोग अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू कौशिक जी का मैसेजेस पड़े हुए हैं हेलो मैम हाउ आर यू एंड हाउ इज़ योर इंजरी ओके सो आई एम गुड हाउ आर यू कौशिक एंड माई इंजरी इज़ ऑल्सो फाइन नाउ सो द नेक्स्ट इज वॉट यू हैड इन लंच एट लीस्ट यू कैन टेल अस दैट इट्स नॉट अ बिग इशू टू टेल अफकोर्स इट्स नॉट अ वेरी बिग इशू टू टेल सो आई हैड बेसिक दाल चावल रोटी व्हाट डिड यू हैड द एक्ट इज ओर टू कर अरे ये पूरा डिस्क्रिप्शन ही दे देता है मतलब मुझे आने की जरूरत नहीं है है ना तुम लोग इनके मैसेजेस देख लो जय हिंद सोनम कोर्ट केस हो गया आपका क्लास देख लेना आईपीसी की ठीक है हेलो मैम मुस्लिम लॉ में सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस की क्लास नहीं होगी देखो सक्सेशन में जितना इम्पोर्टेंट था स्वीटी जितना प्री में आता है मैंने उतना कवर कर दिया है अच्छे से बाकी डिटेल्ड चीजें जो होती हैं वो फाउंडेशन बैच में कवर की जाएंगी बट जितना मैंने सक्सेशन में पढ़ाया है मुस्लिम लॉ के अंडर में अगर आप मेरी लास्ट क्लास में जा करके देखोगे तो वो सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसी में से मेनली मेनली क्वेश्चन आते हैं आई एम गुड सोनम हाव यू चलो तो क्लास को स्टार्ट करते हैं है, है ना आज हम लोग पढ़ेंगे सोनम का फेवरेट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बेल थी आज एक अच्छा चलो बढ़िया है तो देखो कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो मुझे लगता है हर स्टूडेंट को बहुत पसंद होता है है ना क्योंकि हम शायद रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे चीज़ों से एनकाउंटर होते हैं है ना अब नॉर्मल लाइफ में आई एम फाइन कढ़ी चावल खाया ओ हो बताओ आज कौशिक ने अकेले कड़ी चावल खाया और किसी को इनवाइट नहीं किया और एक तरफ सोना है कुछ भी बनाती है तो सबको इनवाइट करती है ओके मैम थैंक यू योर वेलकम स्वीटी आपका नाम भी बहुत स्वीट है हां जी तो देखिए नॉर्मल हम लोग डेली लाइफ में जो स्टूडेंट्स होते हैं लॉ या कोई भी होता है वो ऐसे सेंटेंस तो नहीं यूज ऐसे वर्ड्स तो नहीं यूज करेगा ना कि वो देखो कल्पेबल होमोसाइड वो उसने डेफिनेशन कर दिया या वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी ऐसे वर्ड तो डेली वेज में नहीं यूज़ होते हैं। लेकिन लेकिन हम ऐसे वर्ड तो यूज करते ना भैया ये दो बिस्किट दे देना दे मुझे या भैया मुझे ना ये बुक कोरियर करानी है या हेलो मेरे को ना पिज्जा चाहिए ये सारी चीजें तो हम लोग डेली बेस में यूज करते ही है ना इन सारी चीजों से हम इनकाउंटर होते हैं है, है ना तो इसीलिए पांच से छह कॉन्ट्रैक्ट कर लेते दिन भर में मैंने मालपुए बनाए हैं अभी आ जाओ हाँ ये बात है पांच से छह हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग ऐसे टर्म से एनकाउंटर होते हैं कॉन्ट्रैक्ट से एनकाउंटर होते हैं डेली बेसिस में बाकी जितने भी और लॉस है, हैं उससे हम लोग डेली बेसिस में एनकाउंटर नहीं होते हैं और सोनम जी ने मालपुए बनाए हैं बताइए बारिश का मौसम है मुंह में मेरे पानी आ गया है सुनते ही है ना बारिश के मौसम में मालपुए वाह सही है देखो तो आज हम लोग बेसिक चीजें देखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वैसे तो कौशिक जी ने मेरा सारा काम आसान कर दिया है मैं मैं आप भी बहुत स्वीट थैंक यू सो मच स्वीटी वैसे तो कौशिक जी मेरा काम आसान कर देते हैं वो मेरी क्लास शुरू होने से पहले ही डिस्क्रिप्शन दे देते दे 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 दे, कहते हैं है, मैडम बस आइए बोलिए और जाइए मैं बच्चों को पढ़ा देता हूँ है ना थ्योरी और सारा चीज वो दे देते हैं पर्याप्त तरीके से पर फिर भी मैं तो अपना काम करूँगी है ना तो देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब फोर्स में आया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फोर्स में आया था फर्स्ट सेप्टेम्बर एटीन में

दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट ठीक है 148 से 181 तक किसके बारे में बात करता है बेलमेंट एंड प्लेच के बारे में बात करता है 182 से 238 बात करता है एजेंसी के बारे में और 239 से 266 तक बात करता है पार्टनरशिप के बारे में अब जो ये था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट वो कब 1930 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हट करके उसने अपना अलग एक बनाया था और अब क्या सेल्स ऑफ एक्ट में सेक्शन सेवेंटी 123 कवर होता है Same, 1932 में partnership ने भी अपना uh, separate बनाते हुए बनाया बनाया था। partnership act बनाया था। जो डील करता है सेक्शन 239 से लेकर के 266 तक एग्जाम में है ओहो चलो ठीक है तो आज देखो हम लोग आज सिर्फ आज पूरी क्लास इसी पे ही है और कुछ नहीं है आगे कुछ नहीं है इसी पे ही आज पूरी क्लास है ठीक है अब हम आपको एक दो स्टेटमेंट देते हैं कि मैंने मैंने कोई बंदा है हर्ष मान लो चलो हर्ष को ले लेते हैं तो हर्ष के साथ मैंने प्रॉपर्टी को लेके एक एग्रीमेंट बनाया या मैं ये स्टेटमेंट बोलूं कि हर्ष के साथ मैंने उसकी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया दोनों स्टेटमेंट नॉर्मल लोगों को तो सेम ही लगेंगे है ना क्योंकि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे से मतलब रिलेट करा कर जाए तो दोनों लोगों को जो नॉर्मल इंसान उसको लगेगा कि सेम है बट हमें पता है कि वहाँ पे स्लाइट डिफरेंस है है ना स्लाइट डिफरेंस है और हमें इस स्टेटमेंट को इन दो स्टेटमेंट को समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा कॉन्ट्रैक्ट और समझना होगा क्या एग्रीमेंट ठीक है आप देखो, मुझे लो मैम चलो ठीक है कौशिक के साथ मैंने एग्रीमेंट बना लिया प्रॉपर्टी के लिए ठीक है देखो ये चेन होती है ये चेन होती है इस चेन को समझना पड़ेगा हमें एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए ठीक है देखो पहला है प्रपोजल जब भी जब भी हम कोई ऑफर करते हैं ठीक है थीके? किसी को ऑफर करता है अब मान लो इसको भी हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं मानो कि ये फोन है मेरा मैंने कौशिक जी को बोला कि मैं ये अपना फोन बेचना चाहती हूँ पंद्रह हजार रुपए में कौशिक ने मुझे बोला ठीक है मैम मुझे आप अपना फोन दे दीजिए मैं आपको क्या कहते पंद्रह हजार रुपए में ले लूंगा मुझे क्या मिल रहा है पंद्रह हजार और इसको कौशिक को क्या मिल रहा है मेरा फोन अब देखो जब मैंने जब मैंने कौशिक को ऑफर किया अपना फोन के लिए ठीक है लेने के लिए तो वो क्या हो गया प्रपोजल हो गया जिसे हम ऑफर भी बोलते हैं द मूमेंट द मूमेंट कौशिक ने ये बोला कि मैम ठीक है मैं आपका फोन ले लूंगा वो क्या बन गया एक्सेप्टेंस बन गया क्या बन गया एक्सेप्टेंस बन गया अब कंसिड्रेशन पे आते हैं देखो जब ही भी कोई अब जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि कौशिक ये फोन मैं आपको दे रही हूँ पंद्रह हजार रुपए के लिए कौशिक को कंसिडरेशन में क्या मिल रहा है फोन मिल रहा है और मुझे कंसिडरेशन में क्या मिल रहा है पंद्रह हजार रुपए मिल रहे हैं, ठीक है थीके? तो कंसिडरेशन हो गया अब हम बात करते हैं सेक्शन टू बी की तो सेक्शन टू बी प्रोमिस के बारे में बात करता है वो क्या बोलता है एवरी प्रपोजल एंड ऑफर वेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रोमिस द मूमेंट द मूमेंट गुड इवनिंग कनक द मूमेंट प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ वो क्या बन गया प्रोमिस बन गया ठीक है वो क्या बन गया प्रोमिस बन गया ठीक है अब देखिए एग्रीमेंट को समझते हैं एग्रीमेंट को समझते हैं जब जब कोई प्रपोजल कंसिड्रेशन एक राइट right कंसिड्रेशन के साथ एक्सेप्ट होता है तो वो क्या बन जाता है एग्रीमेंट बन जाता है वो क्या बन जाता है एग्रीमेंट बन जाता है अब देखो सेक्शन टू क्या बात करता है तो सेक्शन एज एग्रीमेंट तो जब मैंने कौशिक के साथ डील किया फोन को लेकर के कंसिडरेशन मेरे पार्ट पे भी हुआ कंसिडरेशन कौशिक के पार्ट पे भी हुआ बराबर है तो देखो कोई भी सेट ऑफ प्रॉमिस कोई भी सेट ऑफ प्रॉमिस जो फॉर्म करता है कंसिडरेशन ईच अदर के लिए तो वो क्या हो जाएगा एग्रीमेंट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा एग्रीमेंट बन जाएगा अब देखो एग्रीमेंट तक समझ में आ गया अब एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट के बीच में आने के लिए क्या जरूरी है एनफोर्सिएबिलिटी एग्रीमेंट क्या होना चाहिए एनफोर्सियबल बाय लॉ होना चाहिए ठीक है अब देखो अब इस चीज को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं मानो मानो आपने एक टीवी मंगाया ठीक है आपने एक टीवी अपना नमस्ते शिवांग आपने एक टीवी ऑर्डर किया एमेजोन से ठीक है आपने टीवी ऑर्डर किया एमेजोन से और आपने ये कहा गॉड दैट रॉडर अच्छा रॉडगर हाँ कहा थे हम लोग टीवी मंगाया था ना एमेजोन से हाँ तो हम लोगों ने टीवी मंगाया से और मैंने चालीस हजार रूपए भी वहाँ पे पे कर दिए ठीक चालीस हजार रूपए भी मैंने पे कर दिए यानी कि और अमेजोन ने मेरा ऑर्डर भी एक्सेप्ट कर लिया और क्या किया उसने मेरा कंसिड्रेशन भी एक्सेप्ट कर लिया किसका चालीस हजार रुपए का लेकिन उसने क्या किया टीवी डिलीवर नहीं किया टीवी डिलीवर नहीं किया तो यहाँ पे अगर मैं उसको ड्रैग करता हूँ ठीक है उसको ड्रैग करता हूँ कोर्ट में ठीक है कि जह, क्या कहते हैं चालीस हजार रुपए वापस कीजिए क्योंकि क्योंकि जो एग्रीमेंट तो फॉर्म हुआ था वो एनफोर्सिबल था बाय लॉ तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था जहां पे कंसिडरेशन भी था प्रॉमिस भी था प्रपोजल भी था एक्सेप्ट भी हुआ लेकिन अपना पार्ट उसने नहीं करा अपना पार्ट उसने प्ले नहीं करा ठीक है तो वहां पे ये क्या हो जाता है एनफोर्सिबल हो जाएगा अब हम बात करते हैं जब हम बात करते हैं एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की तो कुछ कंडीशंस होनी चाहिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए जो फुलफिल होनी चाहिए एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए वो कंडीशंस कहां मेंशन है सेक्शन 10 में मेंशन में है सेक्शन टेन में मेंशन है वो कंडीशंस ठीक है तो देखो सबसे पहला क्या होना चाहिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और कह सकते हैं इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन एनफोर्स क्यों करना पड़ता है मैम देखो एनफोर्स तो करना ही पड़ेगा ना अभी कोई एग्रीमेंट है उसको जब तक तुम एक्शन में नहीं लाओगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा कोई भी एग्रीमेंट को एग्रीमेंट तो सेट ऑफ प्रॉमिस है ना पार्ट ऑफ कंसिडरेशन तुमने डिसाइड किया प्रपोजल रखा एक्सेप्ट हुआ कंसिडरेशन दिया लेकिन जब तक वो एनफोर्स नहीं होगा यानी कि जब तक वो एक्शन में नहीं आएगा वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा और एनफोर्सिबल बाय लॉ होना चाहिए एनफोर्सिबल बाय लॉ होना चाहिए बराबर है तो देखो अब उसके लिए भी जो एनफोर्सिबिलिटी है उसके लिए भी है, जो कंडीशन सेक्शन में है अगर इनमें से एक भी कंडीशन मिसिंग होती है तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा एग्रीमेंट एनफोर्स ही नहीं होगा और कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा तो सबसे पहला क्या है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस या कह सकते हैं इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन आल्सो जैसे ही जैसे ही दो पार्टी एक ऑफर देती है और एक एक्सेप्ट कर लेती है ठीक है हैंडशेक हो गया ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वहां पे दोनों के बीच में क्या हो जाता है एक लीगल ऑब्लिगेशन डेवलप हो जाता है द मूमेंट द मोवमेंट एक जो है ऑफर करता है और दूसरा एक्सेप्ट कर लेता है तो वहां पे लीगल ऑब्लिगेशन डेवलप हो जाता है अगर अगर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होने के बाद अगर कोई पार्टी अपना पार्ट करने से पीछे हट जाती है तो उस केस में जो दूसरी पार्टी है वो उसको ड्रैग कर सकती है या मजबूर कर सकती है अपना पार्ट को परफॉर्म करने के लिए इसको एक से समझते हैं आपने ना फोन फोन किया घर पे। फोन, आ, घर पे पे नहीं आपने आपने फोन किया पिज्जा पिज्जा हट वाले को कि भाई मुझे चाहिए ठीक है आपको आपने, आ, बोला कि ठीक है पिज्जा मेरे को इतने टाइम में डिलीवर कर दो आपने पेमेंट भी कर दिया ठीक है अब पिज्जा वाला आपको डिलीवरी नहीं कर रहा है है ना अब पिज्जा वाला आपको डिलीवरी नहीं किया उसने मना कर दिया नहीं हो पाएगा

चल बेटा प्रॉमिस पूरा क्यों नहीं किया हाँ वचन कब बनता है यानी प्रॉमिस कब बनता है देखो प्रॉमिस तब बनता है जब भी प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है ठीक है जब भी ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है कोई भी प्रपोजल या ऑफर जिसे कहते हैं जब वो एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है वो प्रॉमिस बन जाता है बराबर है शिवांग ठीक है अब देखो अब यहाँ पे क्या हो गया था दोनों पार्टी के बीच में इंटेंशन था इंटेंशन था किस चीज का लीगल ऑब्लिगेशन लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करने का दोनों के पार्ट पे लीगल ऑब्लिगेशन था तो जैसे ही जैसे ही अब अगर पिज्जा डिलीवर हो जाता है तो पिज्जा हट वाले उसको बोल सकते हैं कि भैया मैंने डिलीवर किया अब आप मुझे कैश दीजिए दोनों ही पार्टी ऑब्लिगेटेड थी दोनों ही पार्टी इंटरना इंटरनेशनल लेवल में काफ़ी केसेस देखते हैं और कॉन्ट्रैक्ट में हम मोस्टली केसेस जो देखते हैं वो इंटरनेशनल केसेस ही होते हैं है ना कल की क्लास में हम लोग कुछ केसेस डिस्कस करेंगे जी मैम चलो हाँ तो देखो यहाँ पे लीगल इंटेंशन था किसका लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का अब इसी में ही हम दूसरा एग्जाम्पल ले, ले लेते हैं इसी में ही हम दूसरा एग्जाम्पल ले, ले लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं देखो मान लो मान लो कि मैंने मैंने अपने घर पे फोन किया मैंने घर पे फोन करके बोला कि भाई सुनिए मम्मी आज मैं ना कुछ नहीं खाऊंगी घर पे पिज्जा बनाई गई ठीक है खुशी -खुशी तो तो खिचड़ी बनाई थी मम्मी ने इस सिचुएशन में मैं कुछ कर सकती हूँ अब क्या मैं मम्मी के ऊपर केस कर सकती हूँ नहीं क्यों क्योंकि ये यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं था यहाँ पे मैम मैं भी एक केस हूं मुझे भी लेना तुम तो पक्का एक केस हो <laughs> तुम पक्का बैक बेंचर रहे हो अपने कॉलेज में तो फिर सुनो Uh, तो वहाँ पे एक लीगल ऑब्लिगेशन नहीं था लीगल ऑब्लिगेशन नहीं था लीगल इंटेंशन नहीं था कोई भी ऑब्लिगेशन को क्रिएट करने के लिए तो यहाँ पे हम नहीं केस कर सकते हैं कि अपनी मम्मी को बोल दे शू कर दिया कि नहीं नहीं तुमने ऑब्लिगेशन नहीं निभाया ठीक है तो डिफरेंस समझ में आ रहा है जहाँ पे ऑफर और एक्सेप्टेंस होता है इंटेंशन होता है पार्टी का टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन वहाँ पे ही वहाँ पे ही क्या बनता है ये इनफोर्स होता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए ठीक है अब अब ऐसे ही देखो, अब दूसरा क्या है दूसरा कंडीशन क्या है और होना चाहिए। देखो, और जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल में देखा कि मैं अपना फोन दे रही थी पंद्रह हजार रुपए के लिए ठीक है पंद्रह हजार रुपए के तो वहां पे जो ऑब्जेक्ट था वो भी लॉफुल था और जो कंसिडरेशन था वो भी लॉफुल था है तो अगर मान लो अगर मान लो कि मैं अगर उस टाइम पे अगर मैंने कौशिक को बोला कि भाई मैं तुम्हें अपना फोन दे रही हूँ बोला मैं अपना फोन नहीं दूंगी मैंने पंद्रह हजार भी ले लिए मैंने फोन भी नहीं दिया तो वहां पे कौशिक जी क्या कर सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट भी लॉफुल था फोन और कंसिडरेशन भी लॉफुल था कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वहां पे अगर मैं अपना काम नहीं करूँगी तो ये पे केस कर सकते हैं तो लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है एक बंदा है वो बोलता है कि भाई मैं कॉलेज का पेपर लीक करा दूंगा इलीगल काम है ना तो ऑब्जेक्ट इीगल है हम मैंने बोला चलो ठीक है ठीक है तुम मेरे को उसका पेपर लाके दे दोगे तो मैं तुमको बीस हजार दूंगी यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी अनलॉफुल है यहाँ पे कंसिड्रेशन भी अनलॉफुल है अगर इस केस में अगर info, मतलब अगर कोई भी अपने पार्ट से अपने ऑब्लिगेशन से पीछे हटता है और केस लाया जाता है तो वो पन, वो जो है वहां पे इनफोर्सिबिलिटी क्लेम नहीं कर सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा क्योंकि जो ऑब्जेक्ट और कंसिड्रेशन था वो दोनों क्या था दोनों अनलॉफुल था वो बीस हजार रुपए भी अनलॉफुल कंसिडरेशन थे और वो जो लीक होना पेपर का वो भी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट था समझ में आया ये चीज ऑब्जेक्ट विच कैन कम अंडर लॉ करेक्ट तो ये तीन चीज समझ में आ गई अब बात करते हैं कॉम्पिटेंट पार्टीज की तो जो पार्टीज़ होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट की वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए अब कॉम्पिटेंट का क्या मतलब देखो बेस बेस बैट से मारूंगा पेपर लीक में तो देखो कॉम्पिटेंट मतलब मेजर होना चाहिए साउंड माइंड का होना चाहिए ठीक है रीजनेबल डिसीजन बनाने की योग के योग्य होना चाहिए दूसरा 18 साल के ऊपर का होना चाहिए मेजोरिटी अटेन कर लेनी होनी चाहिए 18 साल के ऊपर का होना चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जाने के लिए ठीक है तीसरा डिस्कालीफाई नहीं होना चाहिए बाय लॉ ही शुड नॉट बी डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ और चौथा

क्या यहाँ पे मेरी कंसेंट फ्री है कंधे पे सॉरी माथे पे बंदूक रख के निकाला जा रहा है क्या मेरी कंसेंट फ्री है नहीं तो इसीलिए यहाँ पे यूज किया गया है वर्ड कि कंसेंट फ्री होना चाहिए अब फ्री किस किस चीज से होना चाहिए फ्री होना चाहिए इन पांच चीजों से यानी कि जो कंसेंट है जो कंसेंट है वो कर्जन से नहीं लिया होना चाहिए अनड्यू इन्फ्लुएंस से नहीं लिया होना चाहिए फ्रॉड से नहीं होना चाहिए मिस्टेक और मिसरिप्रेजेंटेशन से भी नहीं लिया जाना चाहिए तो ये पांच चीज़ें हैं ये पांच चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए यानी कि कंसेंट पूरा फ्री होना चाहिए तो ये जो कंडीशंस हैं ये जब पांच कंडीशंस फुल हो जाएंगी एनफोर्सेबल हो जाएंगी तब एग्रीमेंट क्या बन जाएगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा आपकी सम्मति होनी चाहिए करेक्ट सम्मति होनी चाहिए तो देखो यहां पे क्या बन जाएगा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा अब अगर इनमें से इन पांच कंडीशन में से कोई एक भी चीज मिसिंग होती है कोई एक भी चीज मिसिंग होती है एग्रीमेंट तो बनेगा बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा अब इस स्टेटमेंट पे आ जाते हैं ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो है लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है हम अक्सर इस स्टेटमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं है ना कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट तो अब मुझे लगता है हम मेरी इस क्लास के बाद आपके माइंड से ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तो होते हैं जितने भी सारे एग्रीमेंट हैं वो कॉन्ट्रैक्ट तो होते हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो सॉरी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट तो होते हैं लेकिन जो एग्रीमेंट है वो सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते क्योंकि उनके बीच में एक ही वर्ड आ जाता है है वो क्या है? Enforceable. और Enforceable में ये सारी कंडीशंस आ जाती हैं अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी तो एग्रीमेंट बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट अगर इनमें से एक भी कंडीशन मिसिंग होगी तो एग्रीमेंट हमारा बेचारा एग्रीमेंट ही रह जाएगा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा समझ में आया नो साउंड भैया ऐसे मत बोलो पूरी क्लास ले ली है अब तुम बोल रहे हो नो साउंड आवाज नहीं आ रही है तुम लोगों को अच्छा बताओ आज की क्लास में कोई कंफ्यूजन है जितना पढ़ा ये दोनों टर्म समझ में आए एग्रीमेंट्स ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट और ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ये जो दो टर्म है वो समझ में आए इनमें कोई कंफ्यूजन कहीं पे ये जो चार्ट है ये जो स्टेजेस है इसमें समझने में को कोई प्रॉब्लम हुआ प्रपोजल होता है प्रपोजल ऑफर दिया जाता है ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है किसी भी वैल्यूबल कंसिड्रेशन पे पहली बात तो जब भी कोई प्रपोजल या ऑफर जो है एक्सेप्ट होता है वो क्या बन जाता है है पे बात किया सेक्शन टू बी में बात किया हुआ है ठीक है कंसिड्रेशन लॉफुल होना चाहिए ठीक है जब भी जब भी प्रपोजल और कंसिड्रेशन मिलते हैं तो वो क्या बन जाते हैं एग्रीमेंट बन जाते हैं ठीक है ठीके? और एग्रीमेंट कब एनफोर्स हो पाएगा जब जब एग्रीमेंट जो एनफोर्सिबिलिटी है वो लॉ के थ्रू फोर्सिबिलिटी और दूसरा जब ये सारी चीजें ये सारी चीजें क्या हो प्रेजेंट हो यानी ये सारे कंडीशंस फुलफिल हो तो वो क्या बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा और अगर नहीं हुआ तो ये एग्रीमेंट तो रहेगा ही रहेगा इतना सा क्लास है आज का ये दो चीजें थी जो मुझे समझानी थी ताकि आगे वाली क्लासेस में कभी मतलब क्या कहते हैं कंफ्यूजन ना क्रिएट हो चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ठीक है <coughs> चलो कोई कंफ्यूजन नहीं है सबने बोला ठीक है मैम नो कंफ्यूजन क्लियर वेरी गुड सोनम ने बोला क्लियर वेरी गुड चलो किस किस ने आज बारिश इंजॉय करी है आज तो कल से ही पूरी बारिश हो रही है ना सब अपना अपना मजे कर रहे हो आज आप छोले भटूरे खा लो मैं खुद छोला भटूरा हुई जा रही हूँ फूल फूल के और ये मुझे रोज कहता छोले भटूरे खा लो ये खा लो कभी वो खा लो ग्रेट सेशन थैंक यू सो मच सोना केक फिर उसके बाद कुछ दिन बाद ना मैं एकदम ऐसे फूली हुई आऊंगी क्लास लेने चलो ठीक है सेशन को एंड करते हैं कल फिर मिलेंगे ठीक है कल कल मैं सोचू कल हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में पांच इंपॉर्टेंट जो केस लॉस हैं जिस पे हैं क्वेश्चंस बनते प्री पे भी बन सक, बनते हैं या कभी हो सकता है मेंस में भी पूछ ले तो वो कुछ केस लॉस हम लोग डिस्कस करेंगे नहा लिया आज तो यार बारिश में नहाने में मजा बहुत आता है लेकिन जब पते छोटे थे ना तो मम्मी नहाने नहीं देते थे कहते थे नहीं नहीं बीमार पड़ जाओगे बट मजा आता था चलो ठीक है सेशन को एंड करते हैं अच्छा है मैम थैंक यू मैम बाय बाय कौशिक चलिए बाय बाय आप लोग से भी मैं कल मिलूंगी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करिएगा शेयर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बाय बाय